पूरा एडवेंचर देख सकते हैं, देख सकते हैं भैया लोग, नजारा देखिए भैया। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, अभी हम लोग स्नान कर लिए हैं काफी मुशक्कत साथ, और आपको बता दे कि यहाँ डिग्री में हम नहाया और मेरा लंगोटिया सतीश नहाया है, उधर देख सकते हैं, और इधर भी सूरज अपने अच्छे से स्नान कर चुका है, और फिर अरविंद शर्मा को देख सकते हैं, ये भी काफी मुशक्कत साथ हल्का फुल्का, और यहाँ पूरी ठंडी पानी से नहाए, हम एक्सपीरियंस कर रहे थे कि कैसा, लेकिन आप लोग को बता दें कि क्या काम कर रहा था और पूरा बॉडी अनकॉन्शियस हो रहा था, हेड पेन हो रहा था, हम किसी तरह जल्दी जल्दी अपना टेंट में भागे, और वहाँ की फ्रेशनेस और जितने नहाने के बाद वहाँ से कितने ठंडा, लेकिन हमारा भोलेनाथ की कृपा था जो हमें तुरंत रिकवर होने का समय मिल गया, आए निकलेंगे भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए, कल दर्शन हम लोग नहीं कर पाए थे लेकिन आज हम लोग दर्शन करेंगे, चलिए आप लोगों को दिखाएंगे, हमारे अपना लॉक करके जा रहे हैं और भोलेनाथ का दर्शन कराते हैं, चलिए बुलाते गाइस। पीछे टोकन कट रहा था जो कि हमारे मित्र लोग पहले से भी कटा लिया और लाइन में है, और यहाँ से प्रसाद साथ मिल गया, दीपक का टोकन पहले से कट गया है 1000 रुपए देके, नहीं यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट टोकन कटता है, ये झूठ बोल रहा है बंदा, और काफी एक्साइटमेंट है भोलेनाथ से दर्शन के लिए, और आप लोग को भी दर्शन हो सके तो संभव सके तो दर्शन, देख सकते कि अजय शंकराचार्य इन्हीं के द्वारा खोज किया गया था, और इधर से पहाड़ देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि पहली बार यहाँ भोलेनाथ के केदारनाथ में हम दिखाई दे भैरवनाथ मंदिर, ये धूप पहली बार, सामान खरीद लेते हैं यहाँ से, और फिर भोलेनाथ में संकल्प करा के, केदारनाथ में संकल्प करा के, कुछ अपने फ्रेंड लोग के लिए, विवेक के लिए भी ले जा रहे हैं, और कुछ मित्रों के लिए भी, और पूजा का सारा सामान खरीद लिए हैं, दादी माँ के लिए और मम्मी के लिए और कुछ दोस्तों के लिए, और आपको हमारे देखते रहिए, अभी लाइन और बड़ा है, काफ़ी देर हो रहा है, काफ़ी समस्या हो रहा है, लेकिन क्या करें, भोलेनाथ के पास आए, समस्या जितना दुख दर्द होगा उतना ही दर्शन, लोग बहुत ही निकट पहुंच चुके हैं बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए, और देखिए लाइन में काफ़ी देर से हम लोग मशक्कत के साथ, हम लोग हमारे समय से हर हर महादेव, हम लाइन के थ्रू जय श्री केदार के मेन गेट तक पहुंच चुके हैं, और काफ़ी एक्साइटेड हैं दर्शन मिल जाए, महादेव बोले हर हर महादेव, बोले हर हर महादेव, बोले 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 हर काफी अंदर आनंद लग रहा था, और आपको शेयर नहीं कर सकते, आप यहाँ आए और काफी आनंद लगा, जितने भी हमारे शरीर में दुख पीड़ा थी सब खत्म हो गया, और यहाँ का प्रसाद देख सकते हैं, हम अभी और कहीं और भी पूजा करेंगे, इस प्रसाद को रखते हैं, और चलिए अब आगे खाते जाएंगे।
बिनशिला का भी पूजा हो गया है और बिनशिला में पूजा होने के बाद अब निकल जी के दर्शन हो गए, काफ़ी प्रसन्न हुए हैं और काफ़ी अच्छी बनावट है। और आपको बता दें कि बाड़ा है एक मंदिर और इनका एक प्रतिमा, ये दोनों एक ही जगह रहा लेकिन इनका कुछ ना हुआ। और देखिए ये शक्ति है, शक्तिपीठ है हमारे हिंदू धर्म के लिए। चलिए अब हम लोग यहाँ से कुछ अगले दर्शन दिखाएं। गाइस आप लोग को एक चीज़ बताना चाहेंगे कि हम लोग काफ़ी मशक्कत के साथ इतने किलोमीटर चलने पैदल यात्रा करने के बाद भी जो अंतिम जो चरण हम लोग भोलेनाथ के छूना चाह रहे थे वो हम लोग को छूने नहीं मिल रहे हैं, जो कि ये बहुत ही उचित बात नहीं है। वो उन लोगों के लिए है जो यहाँ के दिग्गज VIP लोग हैं जो टिकट कटा सकते हैं, यहाँ आम आदमी के लिए वो शिला छूने की योग नहीं है, बाहर से हमको आशीर्वाद मिल जाता है। लेकिन क्या हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आस्था कहीं से घर से भी हो वो भी भोलेनाथ पुकार लेंगे, किंतु हमने बाहर से देखा हमें उतना ही आनंद मिला जितने अंदर छूने के बाद मिलेगा। अंदर ऐसा लग रहा था जैसे कि हमें हर पीड़ा हमारा दुख हर लिए हैं भोलेनाथ। जय सब ये देख सकते हैं भोलेनाथ का प्रसाद है और ये भोले के दर्शन से हम गाइस अब हम हमारे माही भाई और हम भोलेनाथ का दर्शन कर लिए। अब जा रहे हैं हम लोग भैरव बाबा के दर्शन करने, जो कहते हैं कि जो केदारनाथ का दर्शन किया वो भैरव बाबा का नहीं किया तो वो क्या संपन्न। और काफ़ी सारा बहुत अच्छा आप लोग का मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर के। आप लोग को नज़ारा दिखा रहे हैं, देखिए नज़ारा है, देख सकते हैं आप लोग। ये मेरे बड़े भाई है दीपक साहब जी और भाई के लिए और यहाँ से नज़ारा पूरा सारा देख सकते हैं, पूरे केदारनाथ का व्यू। ऊपर से हम भैरवनाथ के मंदिर से लिए हैं। बोलने से भोलेनाथ को बोलने से पानी में बुलबुल। गाइस जब हम लोग भोलेनाथ का पूरे आशीर्वाद और आनंद और हर तरह का आनंद हम लोग को मिला और अब हम लोग यहाँ से अपने टेंट की ओर निकलते हैं, बेस कैंप टेंट, और वहाँ से हमने सामान लेंगे और हम नीचे निकल रहे हैं। भोलेनाथ थैंक यू, आपका दर्शन जो मिल गया हमें काफ़ी। भोलेनाथ जय केदार जय शंभू जय देवघर। चलिए बहुत अच्छा।